हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही इजी और इनोवेटिव रेसिपी लेकर आए हैं, आइसक्रीम कपकेक्स। जी हाँ, आइसक्रीम से आज हम कपकेक बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप चॉकलेट आइसक्रीम डालेंगे, जिसे हमने मेल्ट करके डाला है। आप यहाँ पर कोई भी फ्लेवर्ड आइसक्रीम ले सकते हैं। और साथ में 1/2 कप प्लस 1 टेबल स्पून मैदा, साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर। इन सबको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे बेकिंग ट्रे में डालेंगे। मैंने यहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड में पेपर कप्स लगा लिए हैं और अब हम इसे आइसक्रीम स्कूपर की मदद से इसमें पोर करेंगे। तो इतने बैटर से आप 4 कपकेक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे 3/4 तक फिल कर दिया है और अब हम स्पून से इसे लेवल कर देंगे। तो स्पून का हम बैक पोर्शन से इसे लेवल करेंगे। और अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पे 20-25 मिनट्स के लिए। तो देखिए, 25 मिनट्स हो चुके हैं, हमारे कपकेक्स रेडी हैं। मैं आपको स्क्यूअर से चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। और अब हम इसे एक वायर रैक पर निकाल लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे कपकेक्स पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं और अब हम इस पर व्हिप्ड क्रीम से आइसिंग करेंगे। मैं यहाँ पर इसे स्टार नोजल से डेकोरेट कर रही हूँ। आप कोई भी नोजल यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे चॉकलेट शेविंग्स बनाकर रखी हैं और इसे हम व्हिप क्रीम पर डाल देंगे। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमारा कपकेक बनकर तैयार हो गया। तो आप भी इसे ट्राई करिए, चेक करिए। अगर आपके पास भी आइसक्रीम रखी है तो जल्दी से इसे बनाकर खा के देखिए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। और हाँ, मैंने अभी नया इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है, तो आप उसे ज़रूर जाके फॉलो करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें लेटेस्ट अपडेट्स और नई वीडियोस के बारे में आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।